हे एवरीवन, वेलकम टू लर्नर स्टॉप। दिस इज़ समीक्षा एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम के बारे में, सो जिसका नाम है मनरेगा। सो बेसिकली इट्स फुल फॉर्म इज़ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो हम इसके बारे में जानते हैं। तो फर्स्टली मैं आपको बताऊँ कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने खर्च की है ₹170 करोड़ टू इट्स वर्कर्स जो इस स्कीम के अंदर आते हैं। देन दी अमाउंट जो है वो खर्च की गई थी किस बाई, आप कह लीजिए कि जो डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज है उसके तहत। सो स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी एज अ सोशल मेजर दैट गारंटीज द राइट टू वर्क। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन द की टेनेट ऑफ दिस सोशल मेजर एंड लेबर लॉ इज दैट लोकल गवर्नमेंट विल हैव टू लीगली प्रोवाइड एटलीस्ट 100 days ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन रूरल इंडिया। तो किस लिए? टू एनहांस दी क्वालिटी ऑफ लाइफ। नेक्स्ट हम आते हैं कि इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। फर्स्टली जनरेशन ऑफ पेड रूरल एम्प्लॉयमेंट ऑफ नॉट लेस देन 100 days फॉर ईच वर्कर हु वॉलंटियर्स फॉर अनस्किल्ड लेबर। नेक्स्ट इज प्रोएक्टिवली इंश्योरिंग सोशल इंक्लूजन बाई स्ट्रेंथनिंग लाइवलीहुड बेस ऑफ रूरल पुअर। एंड देन थर्ड इज क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल एसेट्स इन रूरल एरिया सच एज वेल्स, पॉन्ड्स, रोड्स एंड कनाल्स। Fourth is reduce urban migration from rural areas. This one is very important. Then fifth one is create rural infrastructure by using untapped rural labor. Okay, then हम आते हैं कि इसकी eligibility criteria क्या क्या है। So firstly वो एक citizen of India होने चाहिए इस scheme के benefits को उठाने के लिए। Then उसकी एज जो होती है वो 18 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, कंप्लीट हो जानी चाहिए एप्लीकेशन भरने के टाइम पे। देन एप्लीकेंट मस्ट बी अ पार्ट ऑफ लोकल हाउस होल्ड, राइट। एंड देन लास्ट वन, एप्लीकेंट मस्ट वॉलेंटियर फॉर अनस्किल्ड लेबर। देन हम आते हैं कि कुछ जनरल चीज़ें। द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ मॉनिटरिंग द एंटायर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम इन एसोसिएशन विद स्टेट गवर्नमेंट्स। तो स्टेट गवर्नमेंट्स की इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होती है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। सो इंडिविजुअल बेनिफिशियरी ओरिएंटेड वर्क्स कैन बी टेकन अप ऑन द कास्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स और बेनिफिशियरीज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स और बेनिफिशियरीज अंडर द इंदिरा आवास योजना ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। देन विद इन 15 days ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म द from the day of work is demanded, wage employment will be provided to the applicant. Then हम आते हैं कि right to get employment allowance in case employment is not provided within 15 days of submitting the application or from the date when the work is out. Then social audit of MGNREGA works is mandatory, which lends to accountability and transparency. Next one is Gram Sabha is the principal forum for wage work seekers to raise their voices and make demands. And the last one, it is the Gram Sabha and the Gram Panchayat which approves the shelf of works under the scheme and fix their priority. Next is role of state government. So it frames rules on matters pertaining to state responsibilities under section 32 of the Act. Then develop and notify the rural employment guarantee scheme for the state. Third one, set up a state level MGNREGA's employment implementation agency or mission with adequate number of high caliber professionals. Fourth one, set up a state level MGNREGA's social audit agency or directorate with adequate number of people with knowledge on this scheme and processes and demonstrated commitment to social audit. And finally, establish and operate a state employment guarantee fund. So it is very important that har ek state ke paas apne jo hai ek fund ho is scheme ke liye. So this is the end of the video and thank you so much for watching.